देखिए फ्रेंड्स, राजमा की रेसिपी बनकर तैयार है। तो एकदम घर के मसालों से हमने आज राजमा बनाकर तैयार किए हैं, एकदम पंजाबी स्टाइल में। तो ये चावल के साथ ही खाने से बहुत ही स्वादिष्ट लगती है। ऐसे तो आप रोटी के साथ भी खा सकते हैं, तो मैं आज चावल के साथ बनाई हूँ स्वाद से भरपूर राजमा की रेसिपी। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सभी का स्वागत है रानी शर्मा किचन में। आज मैं आप सभी के साथ शेयर करने जा रही हूँ भरपूर स्वाद के साथ घर के मसालों से इतना आसान तरीका, एकदम टेस्टी, कम मेहनत में लाजवाब राजमा चावल की रेसिपी, जो आप सबको बहुत ही पसंद आएगी। इसका असली स्वाद लेना है तो इसे चावल के साथ ही खाएं। रोज अगर आप सब्जी खाकर रूब गए हैं तो एक बार इस तरह से राजमा चावल। आज हम बनाना शुरू करते हैं राजमा की रेसिपी। तो मैंने राजमा फुला लिए, तो मैं रात में फुलाना भूल चुकी थी, तो सुबह मैंने इसे गर्म पानी में फुला दिए, तो ये बहुत ही अच्छी तरह से फूल चुकी है, देखिए। और ये मैंने अदरक लहसुन और हरी मिर्च का पेस्ट ले लिए हैं, ये टमाटर प्यूरी ले लिए हैं, और इसमें गोटा गरम मसाला, जीरा, 2 तेज़पत्ता, 2 सूखी लाल मिर्च, 2 हरी मिर्च और 2 से 3 प्याज को हम छोटे टुकड़ों में काट कर ले लिए। और यहाँ पर थोड़ी हमने मसाला ले लिए हैं, हल्दी, मिर्चा, धनिया, जीरा, गरम मसाला, और ये टमाटर ले लिए, टमाटर को भी हम छोटे टुकड़ों में काट लेंगे। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तब हम इसमें 2 ग्लास के लगभग पानी डाल देंगे। तब हम इसमें 3 से 4 सीटी आने तक इसे अच्छी तरह से बॉईल कर लेंगे। अब हम इसमें 1/2 चम्मच के लगभग नमक डाल देंगे और इसमें ढक्कन लगा देंगे। तो देखिए अब कढ़ाई गर्म हो चुकी है। अब हम इसमें 3 से 4 चम्मच तेल डालेंगे, हम सरसों का तेल ही डालेंगे। तो तेल अब गर्म हो चुकी है, तब हम इसमें गोटा गरम मसाला डालेंगे। अब हम इसमें जीरा डालेंगे, 2 तेज़पत्ता डालेंगे, 2 सूखी लाल मिर्च डालेंगे। अब हम इसमें हरी मिर्च डाल देंगे, कटी हुई प्याज डाल देंगे। अब हम इसको फ्राई कर लेंगे प्याज को अच्छी तरह से, एकदम ब्राउन होने तक हम इसे फ्राई करेंगे। देखिए प्याज अच्छी तरह से फ्राई हो चुकी है। तब हम इसे मसाला डाल देंगे, 1 चम्मच के लगभग धनिया पाउडर, 1/2 चम्मच जीरा पाउडर, 1/2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर। सारे मसाला को फ्राई कर लेंगे। अब हम इसमें 2 चम्मच के लगभग अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देंगे, 2 से 3 चम्मच। अब हम इसे भी मिला लेंगे। अब हम इसमें टमाटर का प्यूरी भी डाल देंगे, अब हम इसे भी मिला लेंगे। अब हम इसमें स्वाद अनुसार नमक डाल देंगे, नमक को भी अब हम इसे मिला लेंगे। तब हम मसाला को अच्छी तरह से पकने के लिए छोड़ देंगे। तब हम इसमें 1/2 चम्मच काश्मीरी लाल मिर्च डाल देंगे। मसाला अच्छी तरह से मिल चुकी है। तो देखिए मसाला अच्छी तरह से पक चुकी है और साइड साइड से तेल भी छोड़ने लगी है। तब हम इसमें 1 कटा हुआ टमाटर भी डाल देंगे। अब इसे अच्छी तरह से मिला लेंगे, टमाटर को ही पकने देंगे हम इसमें। आज मेरे बच्चे को राजमा चावल खाने का मन कर रहा, तो मैं आज राजमा ही बना दी हूँ सबके लिए। देखिए तो पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर करिएगा और कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा मेरी राजमा की रेसिपी आप सबको कैसे लगी। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड्स। तो चले फ्रेंड्स, खाना शुरू करते हैं अब। राजमा चावल बहुत ही टेस्टी बना है राजमा चावल, तो आप सब भी ज़रूर एक बार ट्राई करिएगा।